मान लेते हैं कि ये है अपने पास में ग्राउंड लेवल, ठीक है। हमने बॉल को, ये रही बॉल, हमने बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, ओके। हमने बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, ऐसे 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 बॉल यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद बॉल रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में आने के बाद बॉल ऐसे दोबारा से ग्राउंड से आकर टकरा गई, ठीक है। तो भाई हमें ये बताना है कि बताइए बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, बॉल को पूरी जर्नी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी हाइट पर बॉल जाएगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी है। अब ज़रा देखिए कि हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने बॉल को यहाँ से थ्रो किया बच्चों, तो जिस पॉइंट से मैंने बॉल को थ्रो किया है मैंने उसे ओरिजिन मान लिया। देखो मैं बॉल को भले ही ऐसे दिखा रहा हूँ आपको कि बॉल यहाँ से जाकर ऐसे गिरी, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं गिरती है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आकर गिरेगी यहीं के यहीं उसी लाइन पर, यानी उसी लाइन पर तो बॉल ऊपर जाएगी और उसी लाइन पर बॉल दोबारा से नीचे आकर गिरेगी बच्चों। समझ आ रही है बात? हम लोगों को ये मानकर नहीं चलना है कि बॉल ऐसे जाकर गिरेगी, हम लोगों को ये मानना है कि बॉल सीधा ऊपर जाएगी फिर नीचे आकर गिर जाएगी, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों कि यहां से हमने बॉल को फेंका, ये हो गया ओरिजिन, ये 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी, वाई की डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस 20 मीटर पर सेकंड। प्लस क्यों है भाई? प्लस इसलिए है क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉल हमारी यहां तक गई और यहां जाकर बॉल रेस्ट में आ गई, यानी बॉल यहां तक जाएगी, रुकेगी, फिर आकर नीचे गिर जाएगी। मैं भले ही यहां दिखा रहा हूं बच्चों, लेकिन रियल में कुछ ऐसा होता है कि बॉल ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा होता है माइनस में, और हमने माना कि नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारा कहलाएगा बच्चों टी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यू वाई प्लस में कैसे आया, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि यू वाई प्लस में कैसे आया है? मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए क्योंकि मुश्किल नहीं है। यू वाई प्लस में इसलिए आया क्योंकि हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है बच्चों, तो यू वाई इज इक्वल टू प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड। वी वाई की वैल्यू है 0, ए वाई की वैल्यू है माइनस के 10। हम लोग लगाएंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, और मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाय टी। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। देखो भाई, जनरली हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने यहां से लेकर यहां तक मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को लगाया, ये रिजल्ट आया फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है 20, वाई की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है माइनस के 10 और मल्टीप्लाई है टी, यानी 10t इज इक्वल टू 20, सो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा उसे हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। कितना टाइम आया? 2 सेकेंड। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाकर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यानी बॉल को नीचे से ऊपर जाने में इतना टाइम लगने वाला है बच्चों, जिसकी वैल्यू है 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी बात। अब अगर बॉल को नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे तो सबसे बढ़िया बात बच्चों यह है कि बिल्कुल इतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा। इसे हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी अगर बॉल को नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे तो बिल्कुल उतना ही टाइम बॉल को ऊपर से नीचे आने में लगने वाला है।
हमने नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना कैलकुलेट किया, 2 सेकेंड। सो ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा, वो भी 2 सेकेंड। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। लो भैया टोटल टाइम हमारा 4 सेकेंड के इक्वल होगा बच्चों। यानी पूरी जर्नी में बॉल का नीचे से ऊपर जाना एसेंट, बॉल का ऊपर से नीचे आना डिसेंट, इस पूरी जर्नी में हमें 4 सेकेंड का टाइम लगने वाला है बच्चों। एक रिजल्ट तो हमने ये बनाया। दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां से लेकर यहां तक की हाइट निकालते हैं कितनी होगी। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, ये ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है? ओरिजिन के ऊपर है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्लस एच, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्लस एच। हम लोग लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अबे जानते हो ना यार, तुम चाहे सेकेंड इक्वेशन लगाओ, तुम चाहे थर्ड इक्वेशन लगाओ, दोनों से आंसर बन जाएगा। मेरी इच्छा हो रही है सेकेंड इक्वेशन लगाने की, तो मैंने यहां सेकेंड इक्वेशन लगाई। देखो आंसर कैसे मिलेगा बच्चों, आंसर ये मिलेगा एस वाई यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, एस वाई की वैल्यू है हाइट के बराबर, यू वाई की वैल्यू है 20 के बराबर, नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है 2 सेकेंड का टाइम, प्लस हाफ वाई की डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है माइनस के 10, नीचे से ऊपर जाने में लगेगा 2 सेकेंड, ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। सो हाइट इज इक्वल टू 40 माइनस के 20, हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। लो भाई जब बॉल को आप यहां से फेंकोगे ना, एक तो बॉल 20 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी, हमने सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करके 20 मीटर की वैल्यू निकाली। दूसरी बात, नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड का टाइम होगा, और बिल्कुल इतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगने वाला है बच्चों। टोटल टाइम हमारे पास में 4 सेकेंड का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात समझ में आई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉल को तुमने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका था, बिल्कुल इतनी ही वेलोसिटी से बॉल दोबारा ग्राउंड लेवल से टकराएगी बच्चों। इसमें तो निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होती है। तुमने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था तो बिल्कुल इतनी ही वेलोसिटी, ध्यान से मेरी बात को सुने, बिल्कुल इतनी ही वेलोसिटी वापस आते समय होने वाली है। ऊपर से की तरफ 20 से फेंका तो वापस आते हुए भी 20 होगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो बच्चों जस्ट अभी हमने आपको ये प्रॉब्लम बताई, उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। ठीक है, चलिए। सो आज हमने आपको कई प्रॉब्लम बच्चों बताई हैं इसके जैसे ही, कि भाई किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में क्वेश्चंस की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ये तो इम्पॉसिबल है कि हर तरीके का सवाल मैं आप लोगों को करा पाऊँ। हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर बता दिया है, जिससे कि आप लोग अपने आप हर तरीके की प्रॉब्लम को बना पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये हमारी आज की लास्ट प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है प्रॉब्लम भाई। ये है हमारे पास में ग्राउंड लेवल की कंडीशन। ठीक है, यहां से हमने बॉल को, सॉरी यहां से नहीं करते हैं यार, थोड़ा सा बदलाव करते हैं प्रॉब्लम में। देखो ये मेरे पास में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, मैंने एक बॉल को यहां से थ्रू किया, ये बॉल यहां से ऊपर जाती है, ऊपर जाकर फिर यहां नीचे ग्राउंड पर गिर जाती है। टावर की हाइट मुझे दे रखी है 20 मीटर। देखो भाई, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये ऐसे बताया है कि बॉल को ऐसे फेंका है, लेकिन रियल में कुछ ऐसा हुआ होगा
कि बॉल पहले ऊपर गई होगी और मान लीजिए कि फिर ऊपर से सीधा नीचे गिरी है, कुछ भी करके हाइपोथेटिकल कंडीशन इमेजिन करके आप ऐसा मान लीजिए कि हमने बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका है, बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ गई होगी फिर ऊपर से नीचे गिरी होगी, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहला काम क्या होगा, सिचुएशन पूरी आपके सामने है, सिचुएशन बनाने के बाद बच्चों जो सबसे पहला काम है वो हमारे पास में ये है कि इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है। ये हमारे पास में ओरिजिन है, हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, बॉल यहाँ जाकर टकराई है बच्चों, बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वी। अब देखिए हम करेंगे कैसे यार, ये ज़रूरी है समझना। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये इनिशियल वेलोसिटी है वाई की डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी यानी उस समय की वेलोसिटी जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, यानी यू वाई इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट को हमने माना है ओरिजिन और 20 है ओरिजिन के ऊपर, इसीलिए मैंने यू वाई को प्लस में लिया है। इसके बाद y की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा माइनस में होगा बच्चों, और ये निकल कर आएगा एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो होना ही है यार, इसमें कोई नई बात थोड़ी है या हमने कोई नया काम थोड़ी किया है। इसके बाद देखो y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप देखो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, यहां से बॉल को हमने फेंका है, बॉल यहां आकर गिरी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप बात को समझिए, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है। रियल में कुछ होता ऐसे है कि बॉल यहां से सीधा वर्टिकली ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर बॉल नीचे आएगी, यानी ये इनिशियल पॉइंट है और रियल में बॉल को यहां माना जाएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए ऐसे बताया है कि बॉल ऐसे आएगी, एक्चुअल में होगा ऐसे कि बॉल यहां से ऊपर जाएगी और नीचे आकर यहां गिरेगी। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप है 20, समझ आ रही है बात। और ये जो 20 है ये ओरिजिन के नीचे है, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन माइनस के 20 मीटर। अब देखो यू वाई हर एक बच्चा निकाल लेगा यू वाई क्या है, प्लस 20 है, ए वाई तो सबको पता होता ही है, चाहे कोई कितना भी मूर्ख कॉमर्स के बच्चे को बैठा दो यार, वो भी ए वाई सीख जाएगा कि ये माइनस के 10 लेना है हमेशा। सिर्फ जरूरत पड़ती है एस वाई की, एस वाई का मतलब है बच्चों ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का जो गैप है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मैंने ये माना स्टूडेंट ध्यान से, भले ही डिस्प्लेसमेंट मैं ये ले रहा हूं लेकिन जो टाइम मेरा निकल कर आएगा ना बच्चों, टाइम मेरा पूरा निकल कर आएगा, टाइम जो निकल कर आएगा वो पूरी जर्नी का निकल कर आएगा। देखो मैं कैसे टाइम को कैलकुलेट करूंगा, मोशन की जो सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में वो ये है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये सिचुएशन है मेरे पास में, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट ध्यान से बात को सुने कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वाई की डायरेक्शन में। अब हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे ये आप लोगों को जानना है। एस वाई की वैल्यू है मेरे पास में माइनस के 20, यू वाई की वैल्यू है 20 टी प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू है माइनस के 10 टी स्क्वायर। भले ही डिस्प्लेसमेंट मैंने ये लिया है लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो टाइम निकल कर आएगा वो पूरी जर्नी का टाइम निकल कर आएगा, यहां से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना पूरे का टाइम निकल कर आएगा। बच्चों सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। माइनस के 20 इज इक्वल टू 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं बच्चों, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 4t माइनस के टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल टू से इधर लेकर आते हैं, टी माइनस के 40 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। देखो भाई ये रिजल्ट मेरे पास में बना बच्चों।
पहले तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये कंडीशन बनी, इसे इक्वल टू से इधर, इसे इक्वल टू से इधर, ये सिचुएशन मेरे पास में बन गई। अब आपको सिर्फ इतना करना है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और माइनस करने के बाद भी 4 आना चाहिए। अब कैसे भी करके यार यहाँ से टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। अगर सिंपल फैक्टर मेथड से नहीं हो पाए तो आप लोग कोई और मेथड लगाइए। यहाँ से टाइम की दो वैल्यू निकलेंगी आपकी, एक वैल्यू निकलेगी नेगेटिव और एक वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव। टाइम हमारा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है बच्चों, तो यहाँ से टाइम की जो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट।